Welcome to CR International School online classes. Today I am here to teach you English grammar chapter 10 sentences and jumble words. Beta sentences क्या होते हैं बेटा? Sentences वो होते हैं किस क्या होते हैं? Words का group होते हैं. क्या होते हैं sentences? Words का group होते हैं. बहुत सारे शब्दों का group होते हैं. हमने पढ़ा था ना sentences. Are words of group that make complete sense. बेटा sentences words of group होते हैं. Sorry, group of words होते हैं जो कि एक meaningful sense निकालते हैं, जिनका कोई अर्थ निकलता है. Example देखिए, Radha is a girl. ठीक है, राधा इज अ गर्ल. आई प्ले फुटबॉल. मदर वॉश्ड क्लोथ्स. ठीक है, देखिए ये सेंटेंसेस है, इसमें वर्ड्स के ग्रुप है. इसमें कितने ग्रुप्स हैं वर्ड के? 1 2 3 4. ये 4 वर्ड्स का ग्रुप है, ये 3 वर्ड्स के ग्रुप है, और ये भी 3 वर्ड्स ऑफ ग्रुप है. लेकिन इनका एक सेंटेंस का मीनिंग निकल के आ रहा है. जैसे कि राधा इज अ गर्ल, राधा इसका मीनिंग क्या और बन रहा है? राधा एक लड़की है. ठीक है, हमें बात समझ में आ रही है ना? आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं या खेलती हूं. ठीक है, इससे भी मीनिंग निकल रहा है. मदर वॉश्ड क्लोथ्स, माँ ने कपड़े धोए. ठीक है, तो इससे भी मीनिंग निकल के आ रहा है. ठीक है, तो ये तो होते हैं हमारे सेंटेंसेस. क्या होते हैं? सेंटेंसेस. ठीक है, आप देखिए, मैं लिखती हूं एक बात और बतानी थी. सेंटेंसेस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका कंप्लीट सेंस निकलता है. और दूसरी चीज, जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और फुल स्टॉप पर खत्म होते हैं या क्वेश्चन मार्क पे खत्म होते हैं. जैसे कि एक और बता दूं, डू यू वांट कॉफी, ये भी एक सेंटेंस है ना? डू यू वांट कॉफी, क्या आपको कॉफी चाहिए? तो यहां पर कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है और क्वेश्चन मार्क पे खत्म हो रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है. ये भी सेंटेंस ही, इसमें भी वर्ड्स ऑफ ग्रुप है, इसका भी मीनिंग पता निकल के आ रहा है. सही है ना, पूरा मीनिंग निकल रहा है. ये भी क्वेश्चन सेंटेंस है. ठीक है, दूसरी बात अब देखिए, एक सेंटेंस एक मैं आपको देती हूं. देखो ये भी ग्रुप है ना, इसमें भी वर्ड्स हैं बहुत सारे, इसमें भी वर्ड्स हैं, पर क्या इसका मीनिंग निकल रहा है? पढ़ के देखो, आर टीचर आर यू, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा. इसको पढ़ के देखो, हेल्प मी यू कैन, इसका भी कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है ना. और ना ही ये कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है और ना ही कोई फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क है इसके बाद में, है ऐसा नहीं है. इन्हें हम क्या बोलेंगे? जंबल वर्ड, उल्टे सीधे जो शब्द दिए होते हैं.
या क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये तो होते हैं सेंटेंसेस जो कि मीनिंगफुल सेंटेंस होते हैं, मीनिंगफुल सेंस निकालते हैं, और ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क पे एंड होते हैं। इसमें भी वर्ड्स ऑफ ग्रुप होते हैं और इनमें भी वर्ड्स ऑफ ग्रुप है, लेकिन इनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, ना ही ये कैपिटल लेटर से शुरू हो रहे हैं, ना ही इन पे फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्या है हमारे? जंबल वर्ड, ठीक है। ये क्या है? जंबल वर्ड्स, ठीक है। इनको बोलेंगे जंबल वर्ड, मतलब उल्टे सीधे शब्द। ये उल्टे सीधे दिए हैं, अब इनको हम सीधा कर सकते हैं, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं इसको अरेंज करके, रीअरेंज करेंगे। इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा? आर टीचर आर यू, तो क्या बनेगा? यू आर अ टीचर, फुल स्टॉप, ठीक है। और इसको करेंगे तो क्या बनेगा? कैन यू हेल्प मी, है ना। तो देखो अब कैपिटल लेटर से शुरू है दोनों, एक में फुल स्टॉप आ रहा है, एक में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ये होते हैं हमारे सेंटेंसेस और जंबल वर्ड, ठीक है बेटा। आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज दी जाएगी और आपको करना है। क्या दिया जाएगा एक्सरसाइज में? आपको जंबल वर्ड में दिए जाएंगे, आपको उन्हें मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा।